Bismillah Ar-Rahman ar Assalamu Alaikum Dear Students I am Nasir Mahmood Assistant Professor of Mathematics Today we will discuss a theorem about vector space. First of all I state all bases of a finite dimensional vector space contain the same number of uh, elements. यानी अगर उसकी दो तीन या ज्यादा भी बेसिस हैं तो हर बेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है वो सेम है इसे हम प्रूव करते हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि V इज ए वेक्टर स्पेस एंड इट हैज V वैक्टर स्पेस है और उसके टू बेसिस हैं टू बेसेस A एंड B विद m एंड एलिमेंट्स एलिमेंट अब इफ a इज बेस देन A स्पेंस V ये तो हमें पता है ना और हमने पहले एक पढ़ा था थ्योरम जिसमें रिमार्क के तौर पे भी था कि अगर कोई और बेस है तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ए से ज्यादा इसके स्पेन से ज्यादा नहीं हो सकते अच्छा बी भी अगर बेस है तो वो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो वो एंड आल्सो बी इज लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड बाय प्रीवियस थ्योरम मेरा अपने पिछला लेक्चर जरूर देखना है इससे पहले एक दो लेक्चर में मैंने ये साबित किया था एंड बाय प्रीवियस थ्योरम जो बी है सेकंड बेस कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनि बी के अगर बी में तो एन है तो एन ए के एलिमेंट्स ए में हमारे एम एलिमेंट्स है तो एन कैन नॉट बी ग्रेटर एंड इक्वल टू एम यानी ये एम जो है वो एम के बराबर ही हो सकता है ये थोड़ा से ज्यादा हो सकता है अच्छा बाय इंटरचेंजिंग यही फॉर्म हमारे बी को बेस लें और ए के लिए अप्लाई करें यानी बाय इंटरचेंजिंग सेम रोल ऑफ ए एंड बी यानी ए का बी पे और बी का ए पे तो वी हैव यानी ए के लिए जो एम है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू एन हुआ इसका यह मतलब हुआ कि एम इज इक्वल टू एन के ए और बी हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स द बेसिस एंड बी हैव दंबर ऑफ एलिमेंट्स यही हमारा प्रूफ था एज रिक्वायर्ड प्रूफ अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल बड़ी सिंपल है फाइंड अ बेस फॉर द प्लेन वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो Considering it as a subspace, को एक समझ ले, आर क्यूब की की अच्छा अब मैं इसके तरफ आता अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या कि और एक्स उसमें अभी वसली नहीं है अच्छा क्यूब में से अगर हम एक्स वाई जेड आर क्यूब के एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं ना बिलोंग्स टू आर क्यूब ये एक एलिमेंट लेते हैं तो एक्स वाई z को हम अगर आप गौर करें तो ये लिख सकते x इंटू वन ज़ीरो जीरो प्लस y इंटू जीरो वन वन अब मैं इनको जरा प्लस करता हूँ यानी ये बन गया x जीरो ज़ीरो प्लस जीरो वाई वाई और अगर इनको हम जमा करें तो x y और जीरो प्लस वाई ये भी वाई तो ये देखो वाई और z की जगह भी y आएगा y माइनस जेड या y इक्वल टू जेड था तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वन जीरो जीरो और जीरो वन वन है सारे का स्पेन से एक्स वाई जेड यानी आर क्यूब बन रहा है तो ये क्या बन रही है बेसिस बना रहे है। हैं हेंस जो आर क्यूब है इज स्पेंड बाई किन से स्पेंड हो रहा है इन दोनों से हो रहा है कौन से वेक्टर्स हैं वन जीरो जीरो और दूसरा वेक्टर क्या है जीरो वन और वन इन से ये स्पैन हो रहा है तो इसकी जो फिर डायमेंशन क्या हुई इस सब स्पेस की डायमेंशन फिर टू हुई डायमेंशन ऑफ वाई माइनस जेड इक्वल तो टू जीरो इज टू क्योंकि इसमें स्पेनिंग वेक्टर्स टू हैं एंड आल्सो ये दोनों क्या हुए फिर वन जीरो जीरो एंड जीरो वन वन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट तो बहुत ये आसान क्वेश्चन था ये भी उम्मीद है कि आपके अच्छी तरह आपने समझ लिया ना नेक्स्ट लेक्चर में मजीद काम करेंगे थैंक यू जी